पूर्ण समर्थन है और जनता से भी अपील है कि एक बेहतर कैंडिडेट है, एक बेहतर उम्मीदवार है, एक नया युवा लड़का है। आप लोग अगर समर्थन करते हैं तो आपके हक के लिए आपकी आवाज जरूर बुलंद होगी। सरताज खान जमीनी नेता है, जमीनी नेता का साहब यहाँ का बेटा है। अच्छा, यहाँ का बेटा है, काफी बड़ी बात कर रहे हैं। क्या कुछ मिला है क्या इधर से? नहीं भाई, कुछ नहीं मिला है, मोहब्बत मिला। देखिए, सवाल तो बिल्कुल तीखे होंगे, बिल्कुल सच करवा होता है भाई। मोहब्बत मिली है इधर से, तो मोहब्बत में लोग इतनी धूप में क्यों आएंगे? देखिए भाई, मोहब्बत में लोग तो सात समुंदर पार चले जाते हैं, हम तो इतने धूप में आए। ही उपमेयर क्यों बने? इनसे अच्छा कोई है तो हमको बताइए। अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। इस वक्त सच्ची तस्वीरें मैं आपको जाले नगर परिषद क्षेत्र से दिखा रहा हूँ। जाले नगर परिषद क्षेत्र के प्रखंड सा आंचल मुख्यालय के मुख्य सड़क पर है और हमारे साथ जाले नगर परिषद से उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार मोहम्मद शमशाद खान है। शमशाद खान जो की युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं, क्योंकि आप भीड़ में कैमरे में कैद उन सभी युवाओं को देख सकते हैं जिनके लगाव, जिनके मोहब्बत शमशाद खान से है। अब दिखाइए कैमरे में कैद करके पीछे पीछे तक युवाओं का जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस वक्त तस्वीरें मैं आपको जाले प्रखंड सांचल मुख्यालय से दिखा पा रहा हूँ और आज जाले नगर परिषद से मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के लिए शमशाद खान जो कि नामांकन करा चुके हैं, अपना नॉमिनेशन करवा चुके हैं। अब इनके नामांकन के बाद इनसे कुछ कड़वे सवाल, सच कड़वा होता है। तो सच्ची सवालों पे आएंगे और सच्ची अगर मेहनत होगी, इनकी सच्ची लगन होगी, तो कहीं ना कहीं सवाल के जवाब भी पता होंगे। और सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपकी खबर ही बता दादा जी। आज नॉमिनेशन आपने करवाया है, एक आप भी युवा हैं और राजनीति करियर कहीं ना कहीं आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रथम बार आपने नॉमिनेशन करवाया, पहली बार किसी राजनीतिक क्षेत्र में आप आ रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, क्या लगता है कि उप मुख्य पार्षद के लिए लोग आपको क्यों चुने? उप मुख्य पार्षद के लिए देखिए, लोगों को एक अच्छा जो है प्रतिनिधि चाहिए था और लोगों ने हमसे भरोसा किया, लोगों ने कहा कि आप इस फील्ड में आइए, तो लोगों के भरोसे पे हम उतरना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं और आप देख सकते हैं युवाओं का साथ है। पीछे दिखाइए कैमरा की, सभी युवा मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके की सहायता चाहिए मुझे सहायता कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके की सहायता मुझे मिलती रहेगी, मुझे युवाओं का साथ मिलता रहेगा। जाले के तमाम युवा नगर परिषद के मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ रहूंगा और इनका साथ ऐसे ही मिलता रहा तो मैं जीत कर जरूर आऊंगा और युवाओं के भरोसे पे खड़ा हूँ। और भी सवाल है, कहीं ना कहीं एक नाम ऐसा जो हर किसी के जुबान पर, आखिर क्यों है, क्या खासियत है और किस लिए इतने चहेते बन रहे, कारण क्या है, वो जानने का प्रयास करेंगे बाकी युवाओं से। क्या सुन नाम है? आखिर शमशाद खान ही क्यों? शमशाद खान बेस्ट, शमशाद खान जिंदा, हर युवा जो युवा के लिए हर कदम पर आगे रहते हैं, युवा के लिए और समाज के आदमी के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो पहली बार राजनीति में आ रहे, फिर इतना सारा सपोर्ट बात है, पहले जो पहले जाले का माहौल, जाले का युवा, जाले का जितने भी लोग हैं सब पहले उसके बाद कुल मिलाकर आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि शमशाद खान जमीनी नेता है? जमीनी नेता का साहब यहाँ का बेटा है। अच्छा, यहाँ का बेटा है, काफी बड़ी बात कर दिया आपने। हमारा सवाल अभी और भी युवा है। क्यों, क्या कुछ मिला है क्या इधर से? नहीं भाई, कुछ नहीं मिला है, मोहब्बत मिला। देखिए, सवाल तो बिल्कुल तीखे होंगे, बिल्कुल सच करवा होता है भाई। मोहब्बत मिली है इधर से, तो मोहब्बत में लोग इतनी धूप में क्यों आएंगे? देखिए भाई, मोहब्बत में लोग तो सात समुंदर पार चले जाते हैं, हम तो इतने धूप में आए हैं। क्यों, क्या कुछ मिला है क्या इधर से? नहीं भाई, कुछ नहीं मिला है, मोहब्बत मिला। देखिए, सवाल तो बिल्कुल तीखे होंगे, बिल्कुल सच करवा होता है भाई। मोहब्बत मिली है इधर से, तो मोहब्बत में लोग इतनी धूप में क्यों आएंगे? देखिए भाई, मोहब्बत में लोग तो सात समुंदर पार चले जाते हैं, हम तो इतने धूप में आए हैं। ये कुछ खान जो कि युवा दिलों की धड़कन, मैंने पहले भी कहा था और वो आपको दिख भी रहा होगा, पीछे भी कैमरा में दिखाइए आप, बहुत सारे लोग हैं और भी इधर इधर एक मोमेंट है जो कि आपको आपको क्या
क्या लगता है कि क्षेत्र में, एक मिनट एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने मोहब्बत की बात की है और देश के अंदर में भी अब भारत जोड़ो यात्रा भी एक मोहब्बत की दुकान के नाम से जाना जाता था और उसका असर हुआ है, तो क्या लगता है आप लोग जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो असर करेगा? बिल्कुल असर करेगा, मोहब्बत का एक पैगाम यहाँ से जा रहा है कि युवा जुड़े हुए सभी समाज से और देखिए ये कैंडिडेट जो है ये नए उम्मीदवार है, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पिछले विगत 10 सालों से जनता के बीच में है, जनता की बात को जो है सही जगह पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जनता के लिए जो है हर मुहिम पे खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहे हैं। बिल्कुल, और भी युवा है, और भी युवा है, केवल एक से नहीं और भी युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्जा सुल्तान। क्यों आए आप इनके साथ? इनके साथ मोहब्बत से आए और किस लिए आएंगे, और हमारे ये साथी है और अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे जाले में अच्छा काम किए हैं। आपके भाई जिंदाबाद, आपके साथी ही उपमेयर क्यों बने? क्योंकि इनसे अच्छा कोई है तो हमको बताइए। नहीं नहीं, क्षेत्र का विकास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद। कितने लोगों को उम्मीद है बताइए तो? आप लोगों को हम लोग को संसार ही में नजर आया, इसीलिए हम लोग इनका साथ दे रहा है। जो है इनके अंदर आपको लग रहा है सब कुछ है? आप कुछ इन लोगों को सिखा के तो नहीं लाए थे? नहीं, कुछ भी नहीं सिखाया, ये इन लोगों का मोहब्बत है, इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का साथ है, इन लोगों को ये सच बोल रहा है। हमारे बीच एक व्यक्ति है जी, ये अंदर की ओर छुपे थे, क्या नाम है आपका? राम सकल यादव जी है। राम सकल यादव जी शमशान खान के साथ जी। अच्छा, भाई आपका? अच्छा, ये देखिए, ये एकता की पहचान है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब की अगर बात करें तो वो भी इस ग्रुप में आपको दिख रहा है, क्या लगता है? अमीर अकबर जिंदाबाद। चलिए आप सबसे दिखा पा रहा था धीरे, मैं तस्वीरें आपको दिखा पा रहा था, हमारे साथ जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे वो एक और व्यक्ति है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रसाद खान की ऐसा क्वालिटी जाले प्रखंड में पूरे जिले में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा समाज सेवी व्यक्ति हम लोगों ने, युवा और बूढ़े बच्चों सब ने फैसला किया, शमशाद भाई को ही वोट दिया है। 10 साल शमशाद को ही वोट दिया जाए और शमशाद भाई को जो है जिताए, भारी मत से जिताए, बिल्कुल 100% कहीं से कोई भी सकता बनने के बाद अगर भूल गया तो बिल्कुल और बिल्कुल आप दिल में गारंटी दे सकते नहीं भूले। और युवा है, देखिए युवा के साथ युवा समर्थक इतना है कि मैं जहां आखिरी कहना चाहता हूं फिर कोई नया आ जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी युवा हैं, शमशाद खान भी युवा है, पीछे पूरा युवा की भीड़ है और क्षेत्र को या किसी भी क्षेत्र को किसी भी फील्ड को युवा की जरूरत होती है। क्या लगता है जाले नगर परिषद के विकास के लिए उप मुख्य पार्षद में शमशाद ही क्यों आए? अभी तक मेरा जो आकलन रहा है क्षेत्र में लगभग, मैं लगभग कैंडिडेट को जानता हूँ मेरे ख्याल से, जिसमें यंग शमशाद अभी से ये, मतलब ये नहीं है कि फील्ड में ये बहुत बचपन से, मतलब बहुत सारा ऐसा काम किया है जो लोगों के लिए और एक समाज के लिए नहीं, लोगों के लिए काम किया है बगैर भेदभाव के। तो हम लोग का पूर्ण समर्थन है और जनता से भी अपील है कि एक बेहतर कैंडिडेट, एक बेहतर उम्मीदवार है, एक नया युवा लड़का है, आप लोग अगर समर्थन करते हैं तो आपके हक के लिए आपकी आवाज जरूर बुलंद करेगा। और लोग हमें जानते हैं और मैं इनके लिए वहाँ, मैं दूसरे जगह था तो मैं सुना, हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि शमशाद अच्छा कैंडिडेट है हमको लगा। और अभी तक मैं क्षेत्र में, जब तक अभी मेरे तो टाइम का मैं थोड़ा इसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मगर जहाँ भी है मैं कन्विंस कर रहा हूँ इसके लिए, शमशाद के लिए फोन पे हो या घर में या गाँव में मीटिंग हो रही है, मैं शमशाद के लिए मतलब आवाज उठा रहा हूँ कि उसको आप लोग पूरा गाँव वोट दे इसी तरह। आप लोग अब तक सुनते आ रहे होंगे कि बाहरों फूल बरसाओ,
आप अगला लाइन आप खुद ही जोड़ लेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो कहीं ना कहीं लगातार अब यहाँ पर एक ये शब्द मैं कहने पर मजबूर हो रहा हूँ। ये जो मोमेंट मैंने देखा है कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आ रहा है, लेकिन उसकी जगह कुछ और हो रहा है। बाहरों फूल बरसाओ जाले नगर परिषद में उप मेयर के लिए शमशाद खान। अगर आपको सच्ची खबर हो सुनना तो पक्की खबर को जरूर चुनना। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पक्की खबर को। पक्की खबर, सच है तो खबर है।